दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैतान मूवी की 12 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे योद्धा मूवी की 5 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी ने बाजी मार ली है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं शैतान मूवी के बारे में। तो शैतान मूवी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये मूवी कहां तक जा पाती है इस मूवी की कलेक्शन, और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो हो चुकी है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये मूवी 200 करोड़ या फिर 300 करोड़ कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना सकती है। आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों ने शैतान मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो कुछ लोगों को पसंद आ रही है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है ये मूवी, और लोगों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिल रही है। लेकिन इस मूवी की कलेक्शन बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये मूवी लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाती है इस मूवी की कलेक्शन। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका देखने को मिलने वाले इस मूवी में। बात करें इस मूवी की बजट की, इस मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ के आसपास था और इस मूवी को लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था सिनेमाघर में वर्ल्ड वाइड। आज इस मूवी को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी इस मूवी की कलेक्शन ड्रॉप नहीं हुई है, अच्छी कलेक्शन निकल के आ रही है। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाती है इस मूवी की 300 करोड़ या फिर 400 करोड़ कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है अभी तक इस मूवी ने जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाया, बहुत कम मूवी ने इस तरह से कलेक्शन करके दिखाया 2024 में, और इस मूवी ने देखा जाए तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग ले चुकी है। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 103 करोड़ 5 लाख, और इस मूवी ने 10 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 121 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने 10 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया है 23 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 145 करोड़, और इस मूवी ने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 3 करोड़, और इस मूवी ने 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 106 करोड़ 5 लाख। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 11वें दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इस मूवी ने 11वें दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था लगभग 4 करोड़ के आसपास। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 12वें दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की। तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 2 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं योद्धा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी को भी आज रिलीज हुए 5 दिन हो चुकी है लेकिन देखा जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी क्या रिकॉर्ड बना सकती है। देखा जाए तो इस मूवी के जिस तरीके की अभी कलेक्शन निकल के आ रही है जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कमाल कर पाती है और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। और आप लोगों ने योद्धा मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं रही है और इस मूवी की कलेक्शन कुछ खास कलेक्शन निकल कर नहीं आ रही है और ये मूवी फ्लॉप की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और ये मूवी वीकेंड में भी कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई और वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है ये मूवी। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी अपने बजट के हिसाब से भी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई। अब देखते हैं क्या कमाल कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना सकती है। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ राशि खन्ना देखने को मिलने वाली। अब बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का बजट लगभग 55 करोड़ के आसपास था और इस मूवी को आज रिलीज हुए 5 दिन हो चुकी है और देखा जाए तो इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन करके दिखाया है जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अब ये मूवी हिट हो नहीं पाएगी क्योंकि इस मूवी की कलेक्शन अब जिस तरह से निकल के आ रही है जो कि पूरी तरीके से निराश करने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की 3 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 3 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 16 करोड़ 85 लाख
और इस मूवी ने 3 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 20 करोड़, और इस मूवी ने ओवरसीज से 3 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, और इस मूवी ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 23 करोड़, जो कि बजट के हिसाब से देखा जाए तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 4थे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की। तो इस मूवी ने 4थे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 2 करोड़ 15 लाख, और इस मूवी ने 4 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 19 करोड़, मूवी ने 4थे दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है लगभग 2 करोड़ 50 लाख के आसपास। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के 5वें दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की। तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आप लोगों की क्या लगता है ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।